homemade face mask for uneven skin tone, face mask and anti-pimples cream. आज हम दो तरह के ब्यूटी टिप्स बताएंगे जिससे आपकी त्वचा खूबसूरत हो जाएगी। ये मास्क दो प्रकार समस्याओं के लिए हैं, जो इस प्रकार है। एक, पहला फेस मास्क के बारे में बता रही हूँ, जो टू टोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। यह मास्क आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। यह फेस मास्क आपकी टू टोन स्किन को गोरी कर देगा। ये सभी पैक प्राकृतिक रूप से त्वचा की देखभाल करने वाले ऐसे सामग्री को मिलाकर तैयार किए गए हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व शामिल होते हैं जो त्वचा के रंग को एक समान करते हैं। इसे बनाने की सभी सामग्री सस्ती है और इसे घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस पैक का इस्तेमाल करने से आपको जल्दी ही फर्क दिखने लगेगा। इस मास्क को बनाने के लिए आपको कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी, जो ये है। मुलेटी पाउडर 1 टेबलस्पून, कैबेज पेस्ट 1 टेबलस्पून, टमेटो पेस्ट 1 टेबलस्पून, आमंड पाउडर 1 टेबलस्पून, कर्ड 1 टेबलस्पून। यह सभी सामग्री का एक पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगाकर फिर इसे 15 से 25 मिनट बाद इसे गुनगुने पानी से धो लें। अब मैं बता रही हूँ टिप्स नंबर 2 के बारे में। 2. दूसरा फेस मास्क एंटी पिंपल्स के लिए है, जो आपकी त्वचा को क्लियर और मुलायम करेगा। ये दोनों अजमाए हुए टिप्स हैं। मुहासे तब होता है जब आपकी त्वचा की तेल ग्रंथियां अति सक्रिय हो जाती हैं और रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। कुछ प्रकार के स्किन बैक्टीरिया पिंपल्स को बदतर बना सकते हैं। पिंपल त्वचा पर कहीं भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर चेहरे पर होते हैं। तैलीय त्वचा सबसे अधिक दाना प्रवण होती है। यह आपकी त्वचा के वसा में ग्रंथियों के कारण होता है, जो बहुत अधिक तैलीय सीबम का उत्पादन करते हैं। एक अन्य प्रकार की त्वचा जिसके कारण पिंपल्स हो सकते हैं, संयोजन त्वचा है। कॉम्बिनेशन स्किन का मतलब है कि आपके पास शुष्क क्षेत्र और तैलीय क्षेत्र दोनों हैं। तेल क्षेत्रों में आपके माथे, नाक और ठोड़ी होते हैं, जिसे आपका टी जोन भी कहा जाता है। अब इस क्रीम को कैसे बनाना है, यहाँ मैं बता रही हूँ। सबसे पहले कोई भी कोल्ड क्रीम ले लें और अब सभी सामग्री को एक साथ मिलाकर उपयोग करें। सामग्री ये है, कोल्ड क्रीम 2 टेबलस्पून, करेला जूस 1 टेबलस्पून, नीम ऑयल 5 से 6 ड्रॉप्स, टी ट्री ऑयल 5 ड्रॉप्स। इस क्रीम को बनाने के बाद इसे आप अपने चेहरे पर लगाएं। Thanks for watching this video. Please like and subscribe.